हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका खान टॉक में। दोस्तों 2020 के इस टाइम में हमें ब्रॉडबैंड वाईफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि हमें वर्क फ्रॉम होम भी करना है और ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी चल रही हैं। हम स्कूल भी नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, ऑनलाइन सारी चीज़ें हमारी हो रही हैं। तो इस टाइम में हमें वाईफाई की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है, वाईफाई ब्रॉडबैंड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है और हमें स्पीड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। हम सिम से भी काम चला सकते थे, लेकिन अब हमें वर्क फ्रॉम होम ही करना है, हमें घर पर रहना है। तो इस टाइम में हमें ब्रॉडबैंड की काफ़ी ज़रूरत है। तो इसी चीज़ को देखते हुए जियो ने काफ़ी अपने प्लान्स में चेंजिंग की है। मैं आपको जियो के प्लान बताने वाला हूँ और एक कंपनी हैथवे है, मैं उसके प्लान भी आपको बताने वाला हूँ। मैं दोनों चीज़ आपको बताऊँगा कि आपकी जेब पर कौन सा प्लान भारी नहीं पड़ेगा, कौन सा आपको लेना चाहिए। तो मैं आपको इसमें दो चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए, जिसमें आपको स्पीड भी मिल सके और आपकी जेब पर भारी ना पड़े वो प्लान। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, मैं दोनों कंपनियों के प्लान आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों पहले कंपनी जियो के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसने 399 के प्लान अभी लॉन्च किया है, क्योंकि हाल ही में इसके प्लान जो 699 के थे वो अब इसने नया प्लान लॉन्च किया है 399 का, जिसमें आपको 30 Mbps की स्पीड आपको मिलने वाली है और इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग मिलने वाली है और इसमें आपको जो डाटा है वो अनलिमिटेड बताया जा रहा है। लेकिन आप एक बार सर्च करके देख लेना, क्योंकि अनलिमिटेड नहीं होता है डाटा। जो ऐप है वो नहीं मिलेंगे, OTT प्लेटफॉर्म वगैरह ऐप, सिर्फ आपको नेट मिलेगा 30 Mbps की स्पीड में। डाउनलोडिंग और अपलोडिंग सेम है इसमें, और जो देना पड़ेगा वो ₹1500 सिक्योरिटी देना पड़ेगा, प्लस 399 प्लस GST मिला करके तकरीबन इसके ₹1900 आपको पहले देने पड़ेंगे, ₹1900-2000 के करीब पड़ रहा है। तो अगर आपको पसंद नहीं आता है जियो, तो फिर आप इसको हटवा सकते हैं और आराम से आपके जो आपने दिए सिक्योरिटी और जो मंथली दिया वो आपको सारा रिटर्न इसमें मिल सकता है। कंपनी का ये दावा है 30-day फ्री टाइल्स आपको दिया जा रहा है, कोई आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। आप कंपनी को मना कर दें ये कनेक्शन हमें नहीं चाहिए, आपको पूरा अमाउंट आपको रिफंड किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें अच्छी चीज़ है कि आप ले सकते हैं, अगर आपकी यूजेस ज़्यादा नहीं है, आपको 30 Mbps की स्पीड काफ़ी है, तो आप ये प्लान ले सकते हैं। इसके दूसरा प्लान है 699 का, जिसमें आपको 100 Mbps की स्पीड मिलने वाली है और ये टैक्स लग करके आपको तकरीबन ₹825 का प्लान बैठ रहा है। और इसमें आपको मिलेगा 100 Mbps अनलिमिटेड डाटा प्लस वॉइस कॉलिंग। तो दोस्तों इसमें भी OTT प्लेटफॉर्म आप नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें ये ऐप नहीं मिलेंगे आपको, TV से आप कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको ऐप वगैरह चाहिए, जो OTT प्लेटफॉर्म आप ज़्यादा TV यूज़ करते हैं, तो आपको फिर 999 का प्लान आपको लेना पड़ेगा, जो कि पड़ रहा है ₹1180 के करीब टैक्स लगा करके। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और अनलिमिटेड डाटा दिखाया जा रहा है और इसमें तकरीबन 11 प्लेटफॉर्म ऐप आपको दिए जा रहे हैं यूज़ के लिए, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी स्पीड का प्लान में आपको बता देता हूं, जो तकरीबन ₹1780 का टैक्स के साथ इसमें आ रहा है आपको पड़ेगा। और इसमें 12 OTT प्लेटफॉर्म ऐप आपको मिलेंगे, जैसे कि डिज्नी, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स वगैरह आपको इसमें दिया जा रहा है। और इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और अनलिमिटेड डाटा इसमें दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों आप अब चूज़ कर सकते हैं कि आपकी यूजेस क्या क्या है। अगर आपके पास TV, स्मार्टफोन वगैरह आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपको 100 Mbps की स्पीड लेनी पड़ेगी। अगर आप स्मार्ट TV वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, एक लैपटॉप या फ़ोन वगैरह आप चलाने वाले हैं, तो आप 30 Mbps की स्पीड में ले सकते हैं प्लान, वो अच्छा है। तो दोस्तों आप अपनी स्पीड वगैरह के हिसाब से, अपनी जेब के हिसाब से इसमें प्लान ले सकते हैं। 3-4 प्लान हैं और ऊपर से भी और ऊपर प्लान हैं, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है। मैंने आपको सिर्फ ₹400 से लेके ₹1500 के करीब जो प्लान है वो बताए हैं, टैक्स अलग है इसमें। और तो इसमें ₹1500 सिक्योरिटी आपकी जाएगी और प्लस इसमें जो आप मंथली लेंगे, जो प्लान मंथली लेंगे वो जाएगा, तो आपके टोटली जो अमाउंट होगा वो रिफंडेबल होगा, कंपनी बोल रही है। अब आप देख लें, आप अगर आप लेना चाहते हैं तो कंपनी के भरोसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, दूसरी कंपनी जो हैथवे है उसके बारे में बता देता हूँ। हैथवे का मैं ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छी स्पीड है, काफ़ी सस्ते प्लान है। इसमें सिक्योरिटी वगैरह हैथवे में नहीं लगती, विदाउट सिक्योरिटी है ये, फ्री इंस्टॉलेशन, फ्री वाईफाई, सिर्फ आपको मंथली पे करना है। जो आप क्वार्टरली आप प्लान लेते हैं, क्वार्टरली इसमें देना पड़ेगा आपको
थ्री मंथ से प्लान शुरू है, तो इसके प्लान में आपको बता देता हूँ। हैथवे ब्रॉडबैंड में 75 Mbps की स्पीड में प्लान है, जो आपको 3 महीने का आप लेंगे तो 2120 रुपये का आपको पड़ेगा विद GST, और 75 Mbps में आप 6 मंथ का लेंगे तो 4241 रुपये का पड़ेगा विद GST। ये प्लान अच्छे हैं, 75 Mbps की स्पीड पड़ रही मंथली, ये तकरीबन 700 रुपये का पड़ रहा है और काफ़ी अच्छा है। दूसरा प्लान है 100 Mbps की स्पीड में, जो ये प्लान पड़ेगा आपको 3 मंथ में 2475 रुपये का, ये प्लान पड़ रहा है 3 मंथ में, और 6 मंथ में पड़ेगा ये आपको 4514 रुपये का। 100 Mbps की स्पीड काफ़ी अच्छी है, आपको सिक्योरिटी इसमें नहीं देनी, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, मुझे कोई सिक्योरिटी देनी नहीं पड़ी, इंस्टॉलेशन करके गए, स्पीड भी अच्छी है और वाईफाई राउटर भी मुझको अलग से नहीं लेना पड़ा है, कोई सिक्योरिटी, कोई इंस्टॉलेशन का चार्ज नहीं, और मेंटेनेंस इसकी फ्री है, आप जब तक इनका कनेक्शन चला रहे हैं कुछ भी होता है तो मेंटेनेंस ये लोग हैथवे दे रहा है कंपनी, मेंटेनेंस में कोई चार्ज नहीं लेते, चाहे आपके वाईफाई राउटर ख़राब हो जाता है, चाहे आपकी कोई वायर ब्रेक हो जाती है, तो सारी चीज़ ये करके देंगे, हमें कुछ नहीं देना है, सिर्फ हमें अपना जो प्लान है वो पे करना है और यूजेस करना है। तो इसका 150 Mbps का प्लान मैं बता देता हूँ आपको, 2655 रुपये का पड़ेगा 3 महीने, और 6 महीने का प्लान पड़ेगा आपको 5310 रुपये का। तो ये कंपनी हैथवे भी काफ़ी अच्छी है, बहुत पुरानी कंपनी है, जियो ने इसको ख़रीद लिया है, आप चेक कर सकते हैं, तो जियो का नाम इसके साथ जुड़ गया है, तो आपको अपना यूजेज का जो मंथली पे करना होता है वो देना है, तो आप ये इसके इस कंपनी के साथ जा सकते हैं कि इसके प्लान भी अच्छे हैं, हमें ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ते, 75 Mbps की स्पीड मिलती है, लैंडलाइन वगैरह नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ वाईफाई राउटर आपको दिया जाएगा, इसमें कॉलिंग वगैरह नहीं है, सिर्फ आप नेट यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको सिर्फ नेट ही यूज़ करना है तो हैथवे के साथ जा सकते हो, उसमें कोई सिक्योरिटी वगैरह, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, सिक्योरिटी नहीं है और ना ही कोई एक्स्ट्रा चार्ज है, सिर्फ आपको GST के साथ जो प्लान आप लेना चाहते हैं वो 3 मंथ से स्टार्ट है, यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और कोई अगर इस बारे में कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट्स में कर सकते हैं, मैं उसको जवाब दूंगा, और नीचे सारी डिटेल मैंने दे रखी है हैथवे, अगर आप लगाना चाहते हैं तो कुछ नंबर मैं आपको दे रहा हूँ आपकी मदद के लिए, ताकि आप और भी जानकारी ले सकें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, खुदा हाफिज़।